बोलो राम हरे राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम हरे राम, बोलो राम राजा राम, हरे राम सिया राम, बोलो राम राजा राम, हरे राम सिया राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम राजा राम, हरे 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 राम सिया राम, बोलो राम राजा राम। होवत बिहनिया कोयली कुहू के, दया माया बड़ भारी है। सबले पहले तोर नमन हे छत्तीसगढ़ महतारी के। जी हाँ के माटी हवे चंदन, पानी है जस गंगा है। डुबकी लगाए बर नर नारी के मन हायति चंगा है। निर्मल मन के लैका बन के हरि लजब गोहरा बेजी। तब तो भैया तैहा भौसा गरले मुक्ति पाबे जी। सियावर राम चंद्र की जय। राम कथा की सुनिया जम्मो धर्म प्रेमी भैया हो, बड़ा ही सौभाग्य के बात आवे कि आज ये छत्तीसगढ़ के पावन धरा में भी आप जैसे महात्मा हरि आत्मा मन के बीच में बैठ के मौर जैसे पतितला राम कथा के हे सुनने के मौका मिल गए। मैं तो अपन सौभाग्य के सराहना करते हुए फूले नहीं समावत हूँ भैया कि ये छत्तीसगढ़ के पावन धरा में जी हाँ बड़े बड़े ज्ञानी मन के जन्म होइन, उहे मौर जैसे पतितला भी बैठ के राम कथा कहे के मौका मिल गए। आप सबके श्री चरण कमल में माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटिया डीह धमतरी के रहल्ले दंडवत प्रणाम है। भैया हो मनुष्य के जो जिंदगी है वो केवल भगवान के कीर्तन करे बर मिले है, भगवान के नाम जपे बर मिले है। लेकिन देखो आज जैन समय हमला मिले है बोला हमन कतका बिरथा कमावत हन। भैया ज्ञानी मन बताते 84 लाख योनी ला पाए के बाद आखिरी माँ कोनो मिलते तब वो आवे मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि ला भी पाए के बाद देखो मनखे है तिन कैसे सतमारग ला छोड़ के यति वोती भटकत है। भैया तो ये भटकावा ला दूर करे के एक क्षण रद्दा आवा वो आवा भगवान के नाम। वही पा ज्ञानी मन कही घलोक जाते ना कि सुबह है तिन भगवान के नाम से शुरू होना चाहे और संध्या है तिन भगवान के कीर्तन से शुरू होना चाहे। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी किया कोई धाम नहीं। प्रभु का स्मरण सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। तो भैया हो सुबह तिन भगवान के नाम से और संध्या तिन भगवान के कीर्तन से ही शुरू होना चाहिए। तो चलो आप सबों के बीच में मैं पार्वती जन्म की वो पावन किस्सा आपके बीच में परोसा। एकले पहले सुर देने वाली माँ सरस्वती के वंदना किए जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुसार हार धवला, या तुसु शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मास्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। सामां पातो सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा।
सरस्वती मैया वीणा बजैया, सरस्वती मैया वीणा बजैया, सुन ले मो गुहार वो बिगड़ी बनाते दाई बुनिया अटके हिम्मत धार वो, बिगड़ी बनाते दाई बुनिया अटके हिम्मत धार वो, सरस्वती मैया वीणा बजैया, सरस्वती मैया वीणा बजैया, सुन ले मो गुहार वो बिगड़ी बनाते दाई बुनिया अटके हिम्मत धार वो, बिगड़ी बनाते दाई बुनिया अटके हिम्मत धार वो। ब्रह्मा विष्णु माथ नवा मैं तोरिका गुन गावो, ब्रह्मा विष्णु माथ नवा मैं तोरिका गुन गावो, आरती उतारा दाई वो शरण में माथ नवाबो, आरती उतारा दाई वो शरण में माथ नवाबो, ब्रह्मा विष्णु माथ नवा मैं तोरिका गुन गावो, ब्रह्मा विष्णु माथ नवा मैं तोरिका गुन गावो, आरती उतारा दाई वो शरण में माथ नवाबो, आरती उतारा दाई वो शरण में माथ नवाबो, तोर गुन गावो तोर जय बुलावो, तोर गुन गावो तोर जय बुलावो, तोर गुन गावो तोर जय बुलावो। तोरी कृपाले अंधरा देखे कोंदा गावे गाना, तोरी कृपाले अंधरा देखे कोंदा गावे गाना, लुलुआ के हाथ पाँव समर के भोबला चावे दाना, लुलुआ के हाथ पाँव समर के भोबला चावे दाना, तोरी कृपाले अंधरा देखे कोंदा गावे गाना, तोरी कृपाले अंधरा देखे कोंदा गावे गाना, लुलुआ के हाथ पाँव समर के भोबला चावे दाना, लुलुआ के हाथ पाँव समर के भोबला चावे दाना, तोर गुन गावो तोर जय बुलावो, 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 तोर गुन गावो तोर जय बुलावो। सियावर राम चंद्र की जय, भैया हो देख जेन दिन ले माता सती है तेन अपन देह ल त्यागिस पिताजी के यज्ञ स्थल में जाके, तौन दिन ले भगवान है तेन काम वासना ल त्याग के जप तप में भिड़ गए, भैया कैलाश पर्वत में जाके बैठे रहा जप तप करत, माता सती है तेन अपन पिताजी के यज्ञ स्थल में जाके देह के परित्याग कर देस। कारण का है, कारण या वे भैया कि माता सती कौन है तो माता सती शंका के स्वरूप है, भगवान शिव जी कौन है तो भगवान जी शिव जी विश्वास है, और शंका और विश्वास के जोड़ी ही तो नहीं टिके भैया, अगर जोड़ी सच्चा रहे तो केवल श्रद्धा के साथ ही विश्वास है तन टिक सकते हैं। तभी तो देखा जब वो सती देह ल त्याग के जब पार्वती के रूप में जन्म लेके आए तो गोस्वामी जी महाराज लिखें भवानी शंकर हो श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धा और विश्वास के जोड़ी हेतन जन्म जन्मांतर तक के टिकिन भैया। लेकिन देखो माता सती हेतन अपन देह ला जब त्यागिस पिताजी के यज्ञ स्थल में जाके अपन पति के समझावला नहीं मानिस, भगवान शिव जी लाख समझाइस करते सती मत जाते यज्ञ में, काबर के जिहाँ नहीं बला है कोनोरा तिहाँ बिन्यौता के जाना नहीं चाहे, बिन्यौता के जाना ही नहीं चाहे सती मत जाते हैं। लेकिन माता सती हेतन नहीं मानिस भैया,
पति के समझा वाला नहीं मानी सो पिताजी के घर में तो मोला जाना ही चाहिए कही के चल दे। देखो नारी मन कभू कभू बहुत जीत भी कर देते है ना, नारी मन बहुत जीत कर देते भैया, तेकर सामने में पुरुष मतलब झुकना पड़ जाते कई बार। माता सती ला बहुत समझे शिव जी हे मत जा हमला न्यौता नहीं दे कही के, लेकिन नहीं माने। सबले पहले जब देवता धामी मतलब जावत देखी ना सती है, तब भगवान शिव जी पूछे बन लगिन कथे महाराज जी मन ऊपर डहले उड़ावत उड़ावत जावत तेन है कौन है। शिव जी कथे ये मन देवता है वो, तो ये मन कहाँ जाते महाराज, तो ये मन यज्ञ में जाते। का यज्ञ होते महाराज, तो बृहस्पति सब यज्ञ करावत है। अब तो ये पूछ डारी कि यज्ञ ला कौन करावत है। भगवान शंकर जी अब तो भड़क गए कथे सती ते पूछते जावत है सो मैं तो ला बताते जावत हाँ। ते कही था से मन कौन है, तो ये मन देवता है। ये मन कहाँ जावत है, ते मन यज्ञ में जावत है। का यज्ञ होते तो बृहस्पति सब यज्ञ होवत है। ते कही था कौन कराते, तो तोर दादा हत कराते। अब तो माता सती के मन हेते नहीं रही और पति के आज्ञा के उल्लंघन करके चल दिन दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के यज्ञ में गिन भैया तो माता सती ला मान कहाँ मिलीस, जगह जगह अपमान ही तो मिलीस ना, जगह जगह अपमान मिलीस माता सती ला। सबले पहले ओकर 27 जन बहनी मन रहा तेन मन ओकर अपमान करे बल लग गए। कहे बल लगिन कथे ऐ सती तोला तो न्यौता नहीं देहन कथे, अब बिन न्यौता के तय कैसे आए। दूसरा बहनी है तेन कही थे हमला कहती बहनी तो हम नहीं आते बिन न्यौता के। तीसरिया बहनी आके कहे लगी कहते सती मैं सुने हाँ तुम्हारा घर घर को रिया नहीं है, झोली झाफड़म रही थे कही थे तोला कनान मन घर को रिया बनाइन वो महादेव हा। सती कही थे बहनी अभी तुहर मन के पारी ही गोठिया लो, जितना गोठियाना है ततना। माता सती है तेन दौड़ते हुए माता के कक्ष में चल दिन। माता है तेन प्रेम पूर्वक बलाई अब हृदय से लगा गए किन बेटी सती तैयार गे। लेकिन जैसे ही दक्ष देखिन तो दक्ष है तेन आग बबला हो गए। कहे बल लगिन तय का बरा हस, तय तो मोर बेटी नो हंसते तो केवल शिव जी के नारी हस, तय का बरा हस यहाँ। सती कहे बल लगिन कथे पिताजी वास्तव में मैं यहाँ आके बहुत बड़े भूल कर रहा हूँ, जब ले मैं आया तब ले मोला केवल अपमान ही देखना पड़त है, मैं पति के अपमान ला नहीं सही सका। पूरा देवता मन के यज्ञ भार रखे हस, लेकिन मोर पति के कोई भार नहीं है, मैं तो यज्ञ ला सफल होवन नहीं दे। ऐसे कही के माता सती है तैन अपन पिताजी ला जिसना पैस तिसना कही डारिन कि हिन वही समय जैन समय मोल जन्म देस तो समय मोल कार नहीं मार डारे, मैं अतका दुख ला नहीं सहीते हूँ, वही समय ते मोल मार डारते। मैं तो दक्ष के बेटी कहावत हाँ, ये मोर पर बहुत बड़े अपमान के बात है। मैं तोर बेटी हूँ तेकर से ते मोर ये शरीर रहते हैं तोर अंश ले बने हैं, अब ये तोर अंश के बने शरीर ला मैं अब संसार में नहीं रख सकूँ, मैं ये शरीर ला जला के ही नाश कर दी हूँ मैं हाँ। इसे कही के माता सती है तेन योग के अग्नि प्रकट करीस, और योग के अग्नि प्रकट करके माता सती है तेन अपन देह ला जलाए बर लागिन। माता सती अपन देह ला जलाए बर लागिन और साथ ही साथ भगवान शंकर जी ला निवेदन करे बर लगीस, हे भोलेनाथ देखब ये जन्म में मैं तुम्हारा सच्चा साथ नहीं दे सके हूँ प्रभु, मोर जीवन में जैन शंका आ गए काबर कि मैं दक्ष के बेटी हूँ कही के मैं तुम्हारा अपमान कर डाले हूँ, तो मोर जन्म जन्मांतर तक के प्रेम तुम्हारे साथ में मत छूटे महाराज, मैं जब भी जन्म धर के आवा तो मैं तोरे नारी कहावा, लेकिन अभी ते मोल जन्म दे रहे तो दक्ष के घर में जन्म दे रहे, लेकिन अब ते मोल जब भी जन्म देवे तो मोल ऐसन माता और पिता के घर में जन्म देवे जैन पिता के हृदय विशाल हिमालय जैसे हो, जैन महतारी के मन में मैं नाम की चीज ना हो, तेकर घर में ते मोल जन्म देवे भगवान और जन्म जन्मांतर तक के मैं तो नारी बन के रहूँ। ऐसे कहते हुए माता सती तैन योग के अग्नि प्रकट करके अपन देह ल त्याग दीन। फिर का हुईन भैया ए डहार माता सती देह ल त्यागिन और ओकर बाद माता सती तैन पार्वती के रूप में पहुँच गए कहाँ राजा हिमांचल के घर में। राजा हिमांचल के घर में जैसे ही माता पार्वती है तैन जन्म लेके आयन फिर तो भैया झन पूछ आनंद खुशी ला। राजा जी के राजा हिमांचल के घर में आनंद खुशी है तेन दौड़ गए भैया बेटी के जन्म ला जैसे ही सुनी फिर तो सारी पर्वत नदियाँ नरवा सब खुशी के मारे झूमे नाचे बर लागिन, सब आनी बानी के सोहर गीत गाए बर लागिस, बेटी के जन्म के सब खुशी मनाए बर लागिस, नदी नरवा पहाड़ पर्वत में सब न्यौता पा के आए बर लागिस, सब पहाड़ पर्वत मना के गीत गाए बर लागिस।
गीत गावत रहे सब जन पहाड़ पर्वत मना के सब जन कहे वाला गिस राजा जी के जय हो जिन बेटी रतन रतन पाहे कह के कहे वाला गिर जय हो जय हो जय हो पर्वत के राजा 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 तोर भागला जब्बन तोर भागला जब्बर लिखे हैं विधाता पर्वत के राजा जय हो पर्वत के राजा जय हो पर्वत के राजा सती काली अम्बे जगत मजे कर नाम हे बेटी बन के आए प्रभु के नीला महान हे सती काली अम्बे जगत मजे कर नाम हे बेटी बन के आए प्रभु के नीला महान हे चमके आकाश मा चमके आकाश मा बन के धुनु तारा पर्वत के राजा जय हो 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 पर्वत के राजा रानी गोदी माँ पुतार के मुस्कावे सखी सहेली मन ताली रे बजावे नैना रानी गोदी माँ पुतार के मुस्कावे सखी सहेली मन ताली रे बजावे झूलना झूलावे सब झूलना झूलावे सब बातें भुलैया पर्वत के राजा जय हो 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 पर्वत के राजा सियावर राम चंद्र की जय। फिर भैया देखो माता पार्वती जैसे ही जन्म लेके आई राजा हिमांचल के घर में फिर तो चारों डहर आनंद खुशी हेते छा गए चारों डहर नदी नरबा हेते बहे बर लगीस नदी के अंदर मा जैन छुपे खजाना हेते उफल के बाहर आए बर लगीस प्रकृति हेते सुंदरता ले खिल गए चारों डहर राजा हिमांचल और मैना रानी के जय जयकार हो लगिन जैन हा साक्षात अम्बे रानी ला बेटी के रूप में पाल इन भैया। देखो वास्तव में अगर व्यक्ति के क्रम सत्क्रम हो तो निश्चित ही अम्बा रानी है तीन बेटी बन के आ सकते। अगर व्यक्ति अपना आप ला राम बनाए राम जैसे बेटा पाए के लिए बना ले तो निश्चित ही राम जैसे बेटा भी पा सकते। आप विचार करके देखो राम ला माता कौशल्या पैस कैसे तो ज्ञानी मन बताते कौशल्याधि नारी प्रिया सकल आचरण पुनीत। माता कौशल्या के सब आचरण हेतन पुण्य कर्म की ओर रहीन सब आचरण ला
पति के अनुकूल करे तेकर से तिराम जैसे बेटा पैन भैया। लेकिन आज देख आज महतारी मन पति के अनुकूल कहाँ चलते भैया, है ना। आज महतारी मन हेतन बिल्कुल पति के अनुकूल में नहीं चले। उपराहा में कोनो पति है एक ठन गोठिया ही तो अपन चार ठन गोठिया है। कोनो पति कहाँ थे नहीं वो अभी तोर मायके झन जा, अभी घर में बहुत सारा काम है। तब पत्नी गुस्सा आ जाते और गुस्सा के मारे अपन पति ला जिसने पाते तो इसने कही डार थेगा, है ना। तो फिर विचार करके देखो इसना में राम से ही बेटा कैसे आई अंगना में। ओकर बाद भी महतारी मन कही थे कि हमार बेटा राम से ही कैसे नहीं बने। तो विचार के देखो राम से ही बेटा कैसे बनही, जब तय अपन आप दशरथ नहीं बना है, महतारी अपन आप कौशल्या नहीं बना है, तो राम से ही बेटा कैसे आही भैया, है ना। अपन आप जब तक के दशरथ और कौशल्या नहीं बनही तब तक के राम से ही बेटा पैच नहीं सके। अब आज देखो कतका जमाना बदल गएगा। वो जमाना में पहली जमाना आप याद करके देखो, जब घर में संतान जन्म लेके आवे ना तो वो लड़का के नाम लगलो कतका सुंदर रखे। का नाम रखे, कोनो भी नाम धरती ना तो नाम के पीछू में राम या कृष्ण ला जोड़े आगू पीछू में। बैसाखू राम, चेटकू राम, बुधारू राम, अनेक प्रकार के नाम रखतीस, लेकिन नाम के पीछू में राम ला जरूर जोड़तीस। लेकिन आज कहाँ पर अभी भैया, आज तो नाम के पीछू ले राम है तेन बिल्कुल गायब हो गए है, बिल्कुल दिखाई चमा नहीं दे। तो लड़का मन के नाम का धरते आज, आज तो दाई ददा मन है तो लड़का मन के नाम लगा धरते। कोनो काकरो घर सुंदर बेटा आ गए तो का नाम धरबेगा, तब तो बेटा के नाम का रखते गोलू। तो गोलू का मतलब का है, गो याने इंद्री और लू याने गर्मी। जा तोर इंद्री तेन गर्मी रहे रहा रात दिन तक गर्मी के मारे तोर दाई ददल ठट्ठा बत राजी। तो फिर बता गोलू, चल बेटा हो गए तब तो गोलू है और बेटी हो गए तब गोली। जा तो ससुराल वाला मल टिपत रही बेके ही के। तो नहीं भैया, नाम के अनुकूल काम होना चाहिए, है ना। आज तो हमन अपन लोग लड़का के नाम ला राम के नाम से जोड़ के रखंच नहीं गा। और दुनिया भर के नाम चिंकू मिंकू टिंकू फिंकू, दुनिया भर के गा यानी वानी के नाम धरथन लड़का मन के, है ना। ज्ञानी मन तो वतेक ला बताते भैया, ज्ञानी मन ये बताते जब विदेशी मन हमार भारत में आई कथे ना तो उकर कुकुर बिलई मन के नाम रहे कथे इसना चिंकू मिंकू टिंकू फिंकू। उकर कुकुर बिलई मन के नाम रहे तो इसना नाम ला जमन अपन संतान के रखथन भैया, अपन लड़का मन के नाम लब इसने रखथन। तो फिर विचार करे के बात है, जब लोग लड़का मन के नाम ल कुकुर बिलई बरोबर रखबो तो हमार लोग लड़का मन के आचरण कैसे रहे, कुकुरे बिलई बरोबर रही ना। तो नाम के अनुरूप काम होना जरूरी है, लेकिन आज देखो नाम के अनुरूप कामें नहीं होवत है। नाम है सीता और घरवालक करते फदीता, नाम है शांति बिहनियल शुरू हो गए क्रांति, नाम है सबरी और वादत के बड़ा लबरी, नाम है हरी और रोज के खिले गरी, नाम है दीनदयाल और कुकरी बुकरा करे हलाल। तो फिर बताओ भैया ये नाम के अनुकूल काम है का, जिसना तोर नाम है तिसना काम भी होना जरूरी है। तभी परमात्मा है तेना अवतार लेके तुर घर माया ही भैया, अपन आचरण न ते दशरथ बरोबर बनाबे तब तुर घर में राम है तेना ही। आज देखो जिन अपन मन ला निर्मल बना रही माता मैना, मैना मैं के मैना के मतलब है जी हाँ, मैं नाम के चीज ना हो, जेकर हृदय में मैं नाम के चीज ना हो वो निर्मल मन के महतारी है। अब वो महतारी के घर में आज देखो माता पार्वती बेटी बन के आगे है। माता मैना है तेन पार्वती लपन गोदी में पोटारे है, जी भर के देखत देखत मुस्कुरावत है, मुस्कुरावत मुस्कुरावत के है बला गिन बेटी कौन जन्म के मोर भाग्य तेन उदय हो गए और तोर से ही मैं बेटी पाहूँ। वास्तव में वो मैना माता है जिन बेटी ला भी पा के कतका खुश है। लेकिन आज तो देखो भैया, आज काकरो घर में कोनो बेटी आ जाए ना तो हमन कतका तिरस्कार देथन बेटी ला। काकरो घर में कोनो बेटी आ गए तो कतका तिरस्कार थन, बेटा आ गए तब तो एक दर्जन दो दर्जन फटाकल फोड़थन, और कोनो बेटी आ गए तो पड़ोसी पूछ दीस भैया तुम्हार घर बेटी है इस कथेगा और फटाका का आरोल घलो नहीं पाए। तब वो कहा कहा नहीं कहा लेक रखे रहो रखे कला, फिर टूरी आगे तेकर से तिमन ढेर हो गए। तो फिर सोच के देखो भैया, हमन अतका पक्षपात करबो बेटी और बेटा बर, तब फिर हमार घर में राम और सीता के जन्म कैसे हो ही। और जब तक के घर में राम और सीता
जैसे बेटी बेटा के जन्म नहीं होही तब तक के हमार जीवन के विकृति नहीं मिटाबे भैया। आज देखो माता मैना के घर में बेटी बन के जगत की अम्बा माता पार्वती ही तेन जन्म लेके आ गए है। माता पार्वती जन्म लेके आयन पूरा निवासी नगर निवासी मन हेतेन सकला के गोदी में पोटारे है। आनी बानी के सोहर गीत गावत है। अरे मन खच मल्ला कौन कहा है भैया, सब चिड़ै चिरगुन आनी बानी के सब माता पार्वती के जन्मोत्सव में गीत गाए बर लगेन। सब झन नाचे गाए बर लगेन। पेड़ में बैठ के कोयली मन गीत गाए बर लगी। इसमें मयूरा है तेन नाचे बर लगेन। आनी बानी के भैया वही पा के ज्ञानी मन कही थे घलो सियावर राम चंद्र की जय। कोयली गावत हवे गाना, कोयली गावत हवे गाना, मयूरा नाचा देखाना। कोयली गावत हवे गाना, मयूरा नाचा देखाना। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे। कोयली गावत हवे गाना, कोयली गावत हवे गाना, मयूरा नाचा देखाना। कोयली गावत हवे गाना, मयूरा नाचा देखाना। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे। धरती गगन आकाश पवन हा फुलवारी बरसावे, धरती गगन आकाश पवन हा फुलवारी बरसावे। पुरवा रानी नाच नाच के ढोलक विदन बजावे, पुरवा रानी नाच नाच के ढोलक विदन बजावे। धरती गगन आकाश पवन हा फुलवारी बरसावे, धरती गगन आकाश पवन हा फुलवारी बरसावे। पुरवा रानी नाच नाच के ढोलक मृदंग बजावे, पुरवा रानी नाच नाच के ढोलक मृदंग बजावे। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। आज झुमाओ नाचो गावो चलो खुशियाँ मनाओ। भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे। धर्म खजाना लुटावे राजा आनंद खुशी मनावे, धर्म खजाना लुटावे राजा आनंद खुशी मनावे। नर नारी मंजिल देख के भारी खुशी मनावे, नर नारी मंजिल देख के भारी खुशी मनावे। धर्म खजाना लुटावे राजा आनंद खुशी मनावे, धर्म खजाना लुटावे राजा भारी खुशी मनावे। नर नारी मंजिल देख के आनंद खुशी मनावे, नर नारी मंजिल देख के आनंद खुशी मनावे। आज
झुमाओना चौगाव चलो खुशिया मनाव, आज झुमाओना चौगाव चलो खुशिया मनाव, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे, भाग जागे हिमाचल के आज भाई रे। सियावर राम चंद्र की जय। भैया तब तो देखो माता पार्वती के जब जन्म होइन राजा हिमाचल के घर में, पूरा देवता धामी मन हेतन सरगल फूल बरसाए बर लागिन, सब सरगल फूल बरसाए बर लागिन, आनी बानी के सब गीत गाए बर लागिन, नर्तक मन हेतन आकाश मंडल में नृत्य करे बर लागिन, नर्तक मन आकाश मंडल में नृत्य करते है, कामदेव जेला देख के जेकर छबीला देख के मुस्कावत है, माता पार्वती जैन पर्वत के घर में जन्म लिस तेकर सिद्धि नाम हो गए पार्वती। वो पार्वती के स्वरूप ला देखे बर देखो भाई, आनी बानी के सब देवता धामी मन हेतन अपन वेश ला बना बना के राजा हिमाचल के घर में आए बल लागे, सब देवता धामी मन हेतन अपन स्वरूप ला बदल बदल के आज वो धरती में आ गए, धरती में आके सब जन माता पार्वती के स्वरूप ला देखे बल लागे, अतेक सुंदर मनमोहनी स्वरूप जेला जैन स्वरूप ला धारण करके आज माता पार्वती हेतन वो हिमाचल के घर में आ गए है। राजा हिमाचल हेतन खुशी के मारे आनी बानी के फौज फटाका फोड़त थे, पूरा नर नारी मन ला आनी बानी के मिठाई खवावत थे, नर नारी मन बड़ा नाचन गावे बर लागे, सबके सब देखो भैया राजा जी के खुशी में शामिल होके सबके सब खुशी मनाए बर लागे। धन है ये बेटी हाँ जिन आज हमार घर में जन्म लेके आए, वास्तव में भैया आज भी हम सबके घर में ऐसा बेटी के आना जरूरी है जैन हा सच्चा पतिव्रती हो, जैन हा पतिव्रत धर्म के पालन करे, ऐसा बेटी हर घर में होना चाहिए, और वास्तव में जेकर घर महतारी के संस्कार बढ़िया है तो ओकर घर बेटी के संस्कार भी बढ़िया ही होते भैया, जेकर घर महतारी के संस्कार बढ़िया है तो निश्चित ही बेटी के संस्कार में बढ़िया होना जरूरी है, और महतारी तेन तो सीख देते बेटी ला कि बेटी कैसे होना चाहिए, है ना, भले आज के महतारी मन उल्टा पुल्टा सीख देवे अपन बेटी ला, लेकिन माता मैना है तेन कतका बढ़िया सीख दी अपन बेटी ला। हर महतारी इसना होवे जैन हाँ भगवान शंकर के साथ में जब जेकर बेटी के बिहाव हो इस माता पार्वती के, तो माता मैना है तेन भले पहली तो मन में दुखी बहुत हो, बाद में पार्वती ला समझे कथे बेटी चाहे पति जैसे भी हो बोला देवता समझना चाहे, पति के चरण में ही नारी के सच्चा गति है ये ला जानना चाहे, और जैन नारी के जीवन में अतका कुछ नहीं है ओकर बढ़ते हुए धरती हित नरक के समान है बेटी, अब बेटी के ला समझाए बर महतारी हितैन मति ओकर निर्मल होना चाहिए पवित्र होना चाहिए, और बेटी ला सच्चा संस्कार देने वाली होना चाहे, है ना, देखो आज भी संसार में इतना महतारी और बेटी हो जाए ना तो निश्चित ही संसार के उद्धार हो जाए भैया। मुला एक जन बात सुनता आवत है, एक जन बेटी के नवा नवा बिहाव हो रहा है, वो बेटी के नवा नवा बिहाव हो रहा है, नवा नवा गौना गे रहा है बेचारी है, ससुरार में गे बोला दुबे तीन महीना हो रहा है, बैसाख में बिहाव हो रहा है, बैसाख में बिहाव हो बैसाख रहीन जेठ रहीन और अषाढ़ के पारी आइन, अषाढ़ के पारी आइन भैया तहन तो पिता पक्ष के मन हेतन बेटी के घर में गिन, और बेटी के घर में जाके बोला तीजा लेवा के ले आइन, तीजा लेवा के बोला ले आइन, फिर तो महतारी हेतन अपन बेटी ला सीना से लगा के पूछे बल्ला गिन बेटी ससुराल में सब बढ़िया बढ़िया तो हबे ना, बेटी मुस्कुरा के कहते मैया ते अतका बढ़िया घर मोला ससुराल भेजे हदाई मैं एकदम खुशी हूँ, कथे बेटी तमान तो बढ़िया है ना, कहे बल्ला गिज कथे दाई एकदम बढ़िया है, जैन दमान के तय चर्चा करत हस वो तो लाखों में एक है, बहुत बढ़िया है बड़ मया करते मोला, अतो ननंद देवर मन है बेटी ईश्वर मन तो एकदम बढ़िया है दाई, वो मन अपन महतारी बरोबर जानते मोला, अपन महतारी बरोबर बांधते मोला, जैन बात ला मैं कही था तेन लटारे नहीं एकदम बढ़िया है मोर ननंद देवर मन हाँ, अतो ससुर है बेटी ससुर बढ़िया मया करते ना, कहे वाला गिन कथे दाई मोर ससुर तो बिल्कुल गौ एवो,
मोला महतारी बरोबर मानथे मोर ससुर हा, एको ठन बात ल तियारे नहीं। मैं जल कमाने वाला रहूँ तेकर ले पहली अपने कमा डारथे, और मोला महतारी ले छोड़ बात नहीं करे, एकदम बढ़िया ससुर है। ओकर बात के इतने उत्साह कैसे है बेटी, तहन भाई तो गेगा ओकर बेटी के मन उथर गे। कहते भाई गे दाई झन पूछोला कि सब बढ़िया है, फिर मोर सास सन में मोर चौर नहीं चुराइबो। रात दिन काम कलल में मैं ओकरे सन में बूढ़े रथों दाई, ओकर सन में कोनो मोर पड़ जाती है ना, फिर तो मैं गंगा नहा डालते हूँ। सब बढ़िया है, फिर मोर सास सन में बस नहीं पटे। वास्तव में भैया हर घर में इतना कहानी हो ही, सब साथ में तो पड़ जावत हो ही, फिर सास और बहू के पटना बहुत ही मुश्किल हो जाथेगा, है ना। मैं तो ये कही था, देखो जब लड़का लड़की देखे पड़ जाते ना, तब पंडित कर जाके ऊपर गुण ला विचार थे कि लड़की और लड़का के गुण मिला थे नहीं गा, तब इकर बिहाव करबो कही के, है ना। लड़की और लड़का के गुण ला देखते, राज बरक ला देखते। मैं तो ये कही था कि लड़की और लड़का के राज बरक ला झन देखो भैया, ओकर सास और ओकर बहू के राज बरक ला देखो। अगर दोनों झन के बात है तेन मार गे ना, तो घर में बिल्कुल कलह नहीं आए। बेटी और बेटा के बिहाव होते, दूसर घर ले बहू लाना थे, तो वो लड़की के राज बरगला नहीं बल्कि सास और बहू के राज बरगला देखे, तो निश्चित ही देखो वो घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होवे। वो बेटी नवा नवा आ रहा है, अपन सास के बात लो सुनी तो कर मन उदास हो गए। कथे दाई मोर सास ने बिल्कुल तारी नहीं पटे, अड़बड़ रात दिन काव कुलल होवत रही थन, तो कर महतारी बड़ चौतरा रहा बिचारी है। ओकर महतारी कथे बेटी जे ठीक है, तोर सास के सर में तोर तारी नहीं पटे ना, तो जेन दिन तय जाबे ना, वो दिन तय मोर कल एक ठन मंत्र धर के जाबे, वो मंत्र है तेन तुम्हार झगड़ल मिटा दीही। ओकर बेटी घलो बड़ खुश होगी, काबर वो चाहत रह, मैं चाहता हूँ दाई कि मोर सास सर में झगड़ा मिट जाए। लेकिन नान नान बात में झगड़ा करते वो है, तो कैसे मिटी ही झगड़ा। तब वो कहीन जेन दिन तय जाबे वो दिन मैं तो एक ठन मंत्र दूँ, वो मंत्र का उपयोग करबे, फिर झगड़ा नहीं होवो बेटी। फिर जब घर जाए के पारी आई भैया, घर जाए के जब पारी आई, तब ओकर महतारी है तेन काला दीन वाला मंत्र के स्वरूप एक ठन माला में गूंथ के चाबिल धरे रहा है। अब वो माला अपन बेटी गरम पहना दिस, अपन बेटी गलम पहना दिस। तब ओकर बेटी है तेन कही थे दाई ये काय वो, इन बेटी मैं तुल कह रहे हो ना, मैं एक ठन मंत्र दी हूँ तोला कही के, ये वही मंत्र अब जैन मंत्र ला ते यहाँ उपयोग करबे ना, तो तोर घर में झगड़ा नहीं हो, सास बहू के झगड़ा कभू नहीं हो, तो एक उपयोग के विधि का है दाई, एल सेवन कैसे करियो मैं हाँ। ते कथे देख जैसे ते घर में जावे और तोर सास से तन जब तोला जब झगड़ा लड़ेल धरही ना, तो शर्त ये है कि ये चाबिल ते कटकट ले दांत में चाब लेबे, कटकट ले दांत में चाब लेबे, और शर्त है कि चाबी तोर दांत ले नहीं गिरना चाहिए। बेटी खुश हो गए और चल दिन ससुरार का। ससुरार जब गेन ओकर पिताजी है तेन एक रात लड़ी नो बिहान दिन आगे बेचारा है, ये डहर तो ओकर सास के मन कुल बुकुल होवत रहा, कतका बेर जावे ओकर दादा मन, तो कतका बेर उनमें झगड़ा लड़ाऊँ कहीं को मन कुल बुलावत रहा। जैसे ही ओकर दादा मन है तेन गीत तहाँ शुरू हो गएगा बहुबर, कहबा लगी सा दादा घर लेते आ हस खा खा के मोटा मोटा के, अब ते वैसे यहाँ चलो हूँ कहा थोबे, तोर दाई है का तोला सीखा है बता तो हैं। अब आनी बानी कुल कहबा लगी, वहाँ तय रहे हो रानी बन के, लेकिन यहाँ तो बूता करे लागी, आनी पानी झगड़ा लड़े वाला गिजगा। फिर तो बहुत चुप रहने वाली बेटी नो है, ओकरो मुँह उलनेच वाली रहा तहन सुरता आगे, ओकर दाई के चाबी चाब मंत्र है वो हाँ, वो माला में लटके हुए चाबिल किटकिट ले चाब दी, कहे है चाबिल पहन ले तहन झगड़ा नहीं हो, कही के चाप बे तहन झगड़ा नहीं हो, कही के अपन दांत में कटकट ले चाब ली सो चाबी ला। अब सर तो ये है कि चाबी है तेन मुँह ले गिरना नहीं चाहिए। अब ओकर मन तो हुआत रहा कि वो बखानत मोर सासत महूँ बखाना कही के, लेकिन मुँह चाबिल चाबे रहा किटकिट ले तो कैसे बखानाएगा, तो देखो दांत में चाबिल चाबे चाबे का करे की कही कहत रहे, दांत में चाबिल चाबे चाबे की करत रहे, फिर मुँह डाल लिया कब बक्का नहीं आएगा चाबिल चाबे रहे, तो फिर का करे। ओकर सास बिचारी अकेली कतेक दिन ले बखानतीस भैया, एक दिन बखानीस, दो दिन बखानीस, तीन दिन बखानीस, चार दिन बखानीस, बस दो चार दिन ओकर झगड़ा चली से के झन कतेक बखाना है, फिर तो पाँचवैया दिन ना झगड़ा ला छोड़ दिस बिचारी है, और आके अपन बहू ला अपन सीना से लगा लिस पोटा लिस,
आंसू ढारत के थे बेटी, ते कतका गौ बरोबर सीधा हसमुर महतारी, मैं ही तो लड़ बड़ झगड़ा लड़त रही था, मोला तय क्षमा कर, आज के बाद मैं तो कभी गाली गल्ला नहीं देऊँ बेटी। ऐसे कह के वो अपन गाली गल्ला देना बंद कर दीस और वो घर के झगड़ा भी साथ मिट गए भैया, है ना। तो मैं तो कहता हूँ हर महतारी इसना हो जा, हर महतारी अपन बेटी ला विदाई माँ ये चाबी चाप मंत्र ला जरूर जोर है, फिर तो वो घर में झगड़च नहीं हुई भैया, है ना। लेकिन आज तो देखो भैया, आज तो संसार की उल्टा कहानी है, कोनो बेटी है तेन ससुराल जब जाते ना तो कर महतारी उल्टा सीख देते, बेटी तोर सास के ठन झन सुनबते हैं, जो भी कही तकर उल्टा चुल्टा गोठियाबे तोर सास के झन सुनबे, कतका उल्टा कहानी भैया जग के। वही पैक तक गोस्वामी जी महाराज घलो कही थे, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी। देखो राजा करते हवे चोरी रे भैया, रानी बरते हवे पानी, देखो राजा करते हैं चोरी जगत में, रानी बरते हवे पानी, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी। देखो राजा करते हैं चोरी जगत में, रानी भरते हवे पानी, देखो राजा करते हैं चोरी जगत में, रानी भरते हवे पानी। अमली पान के पत्री बनाए बमरी पान के दोना, अमली पान के पत्री बनाए बमरी पान के दोना, बमरी पान के दोना रे भैया, बमरी पान के दोना, बमरी पान के दोना रे भैया, बमरी पान के दोना, अमली पान के पत्री बनाए बमरी पान के दोना, अमली पान के पत्री बनाए बमरी पान के दोना, बमरी पान के दोना रे भैया, बमरी पान के दोना, बमरी पान के दोना रे भैया, बमरी पान के दोना। पनघट रोवत है देखो प्यास में, पनघट रोवत है देखो प्यास में, कुआं मांगते हैं पानी, उल्टा है जग के कहानी। देखो राजा करते हैं चोरी रे भैया, रानी भरते हवे पानी, देखो राजा करते हैं चोरी जगत में, रानी भरते हवे पानी। मुसवा के डर माँ बिलई लुकावे, भगवाला मन के खुदावे, मुसवा के डर माँ बिलई लुकावे, भगवाला मन के खुदावे, भगवाला मन के खुदावे रे भैया, भगवाला मन के खुदावे, भगवाला मन के खुदावे रे भैया, भगवाला मन के खुदावे। मुसवा के डर माँ बिलई लुकावे, भगवाला मन के खुदावे, मुसवा के डर माँ बिलई लुकावे, भगवाला मन के कुदावे, भगवाला मन के कुदावे रे भैया, भगवाला मन के कुदावे, भगवाला मन के कुदावे रे भैया, भगवाला मन के कुदावे। महतारी रोवत हवे बेटा के दुख माँ, दाई रोवत हवे बेटा के दुख माँ, बड़ा अचरज ये कहानी, उल्टा है जग के कहानी। देखो राजा करते हैं चोरी जगत में, रानी भरते हवे पानी,
उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी, उल्टा है जग के कहानी रे भैया, उल्टा है जग के कहानी। देखो राजा करत है चोरी जगत में, रानी भरत हाथ पानी। देखो राजा करत है चोरी जगत में, रानी भरत हाथ पानी। देखो राजा करत है चोरी जगत में, रानी भरत हाथ पानी, रानी भरत हाथ पानी, रानी भरत हाथ पानी। सियावर राम चंद्र की जय। अब तो देखो भैया, माता पार्वती के स्वरूप ल देखे बड़ देवता धामी मन राजा हिमांचल के घर में आए बर लागे। साथ ही साथ एक दिन तो नारद जी घलो आगे दर्शन करे बर, नारद जी घलो दर्शन करे बर आगे, दर्शन करे बर जब आइन ना तो नारद जी हतेन आइन तो हिमांचल जी देख के बोला उच्च सिंहासन में बैठा दे बर लागे। उच्च सिंहासन में बैठा रहे और नारद जी लगे हे बलग, इस नारद जी आप जैसे संत हमारे अंगना में आए हम तो धन्य हो गए महाराज, हम धन्य हो गए। बेटी ला लाइन और बेटी पार्वती ला ला के और उकर गोद में डार दिन एला पावा, आपके हाथ में जाके हमारे बेटी तीन पवित्र हो जाइए। अब तो नारद जी ला पवा दिन बेटी ला, माता मैना है तीन गोद में धरीस, माता मैना है तेन नारद जी के गोद में रहे तेन लपन गोद में धरीस। अब ओकर हाथ ला नारद जी के हाथ में दे दिन और कहे थे नारद जी मोर बेटी के भविष्य चल बताओ ना, मोर बेटी के भविष्य कैसना है, ये दे हाथ है कर हाथ ला देख के विचार करो। आप तो परम ज्ञानी हो, आपके ज्ञान के चर्चा पूरा संसार में है, आप तो चारों जगह के अवैया जवैया हो, भूत भविष्य के ज्ञान आप ला है, आप बताओ मोर बेटी के भाग्य कैसना है। नारद जी डर आगे, नारद जी डर आगे कहबा लगी इसके थे मैया मैं हाँ लड़की मन के हाथ ला धरे बर बहुते दिन के छोट डरे हाँ, काबर मोला डर है दाई, एक घाव मैं इसने एक जनऊ लड़की के हाथ ला धरे हो ना तो मैं माया के जंजाल में फंस गए हूँ। वो लड़की कौन है भैया? तो वो लड़की आवे विश्व मोहनी। विश्व मोहनी के हाथ ला देखा देखत नारद जी तन चेहरा डहला देख डर इस ना, तेकर से ती माया के चक्कर में फंस गए भैया। अब वास्तव में जैन हाँ स्वरूप के चक्कर में फटते फंसते वो तो निश्चित ही माया के जंजाल में फंस के रही जाते, माया के जंजाल में उलझ के रही जाते। तो देखना ही है तो भगवान के स्वरूप ला देखो, भगवान के स्वरूप में सबो चीज़ है भैया, परमात्मा के स्वरूप में सबो चीज़ है। और संसार के स्वरूप ला करते देखना चाहबे तो संसार में तो अमृत है, संसार के चीज़ लते देखना चाहबे तो उनमें तो केवल जहर है, संसार के अन्य चीज में जहर है, अमृत हो तो भगवान के केवल स्वरूप में अमृत है। जैन अमृत लपी के आज देखो संसार है तेन, वो अमृत लपी के पूरा संसार है तेन परमात्मा के चरण डहर जाना चाहते है। आज देखो वही अमृत लपिए बर आज हम सब जुड़िया के बैठे हैं राम कथा के तीर में, है ना, वही अमृत के काद बुंद्रा समूह मल्ल मिल जाए कथा के कही के आज हम सब झन जुड़िया के बैठे हैं गा। लेकिन देखो आज संसार में अमृत कहाँ मिलत है भैया, जेती देखो तेती जहर ही जहर दिखते, अमृत नाम के कोई कोनो चीज़ नहीं दिखे। कतको आदमी मन जहर लपी के मर जावत है, कतको मन जहर लपी के घायल हो जावत है, फिर आज तक के कोनो अमृत लपी कमर होवत नहीं देखे हैं भैया। मैं तो नहीं देखे हाँ, आप मन देखे हो तो मैं नहीं जाना भैया, चलो आप मन देखे हो तो कोनो हाथ उठा कर बताओ कि अमृत कैसना होते कह के। मोर ख्याल तो कथे कोनो नहीं देखे है अमृत ला। कभू कभू तो मोला ऐसे लागते कि संसार में कोई अमृत नाम की चीज़ ही नहीं है का, लेकिन ज्ञानी मन बताते नहीं रे बावला संसार में अमृत है, जब जहर है तो अमृत कैसे नहीं रहे, जब रात है तब दिन है, जीवन है तब मृत्यु है, हानि है तब लाभ है, जीवन है तब मृत्यु है, नारी है तब पुरुष है, सूर्य है तब चांद है, दिन है तब रात है, तो जहर है तो अमृत कैसे नहीं रहे, जहर है तो अमृत भी है तो खोजिक तरीका ला बदल। तो देखो भैया आज हमारे ये संसार में अमृत खोजे का तरीका गलत है, हमन गलत गलत जगह अमृत खोजत हैं, है ना। कतको झकमन कही थे सागर में है अमृत, कतको झकमन कही थे चंद्रमा में है अमृत, कतको झकमन कही थे शेष के सिर में है अमृत, तो कतको झकमन कही थे नहीं गा नारी के होंठ में है अमृत। विचार के देखो सागर में अमृत होता तो क्यों वहाँ का खारा पानी है, चंद्रमा में अमृत होता तो क्यों दाग का निशानी है,
शेष के सिर में अमृत होता तो क्यों जहर का निशानी है, नारी के होंठ में अमृत होता तो क्यों पति का होता हानि है। अरे अगर संसार में कहीं अमृत है तो राम का कहानी है और संतों का वाणी है। भैया अगर संसार में तो कहीं अमृत पाना चाहतस तो ये कथा रूपी अमृत ल तय पी ले, तो जीवन में ते अमृत अमृत ल पी के तो जीवन है तेन अमृतत्व की ओर चले जाही, भगवान के चरण के ते सच्चा दास बन जाबे, जीवन ला मोक्ष मिल जाही। एक कथा के सारे भैया, ये राम कथा जिन मिटा दे जीवन की व्यथा, उलक ही थे राम कथा। अब देखो ये मानस गंगा में नहाए पर जेकर मन हा चंगा नहीं है, तेला तारे बर तो दुनिया में कोनो गंगा नहीं है। आज तो वो पार्वती के हाथ ला नारद जी हते, दुरिहले कहत रहे कि मैं लड़की मन के हाथ ला नहीं धराऊँ कही के, फिर माता मैना है तिन कही थे नारद जी आप ला देखना ही पड़ी, अब माया के चक्कर ले एक बार आप निकल गए हो तो माया है तना आप ला नहीं व्याप। नारद जी अब तो मोर बेटी के भविष्य चल बता देवा कि मोर बेटी के भविष्य हावे तो हावे कसना। अब तो देख माता पार्वती के हस्तरेखा ला नारद जी देखे वाल लगे, और हस्तरेखा ला देखा देखा ओकर भविष्य बताए वाल लगे। कथे मैया तोर बेटी तो बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत ही किस्मत वाली तोर बेटी है, जिन तोर घर में जन्म लेके आए वो तो साक्षात अम्बा है। जला कोनो भवानी के ही, कोनो गिरजा के ही, कोनो दुर्गा के अवतार के ही, अनेक ठन एक नाम है मैना, एक ठन नहीं अनेक नाम हुई एक। बहुत ही सौभाग्य से वो तोर घर में जन्म लेके आ है, बहुत बढ़िया तारीफ करीस, बहुत बड़ाई करीस नारद जी हेते। ओकर बाद कहे बल लगी कथ मैया देखो गुण के साथ साथ में कुछ अवगुण भी है, अगर आप कहो तो वो अवगुण ला बतावा का। माता मैना कही थे जब दोस्त गुण है तो दोस्त तो रहिबे करही, नारद जी बताओ ना का दोस्त है मोर बेटी के जीवन में। तब नारद जी हतेन वो हस्तरेखा ला देखिन, और हस्तरेखा ला देख के कही थे मैया बहुत अवगुण है, वो अवगुण ला आप सुनाओ। का अवगुण? तोर बेटी के जब बिहाव हो ही ना, तोर बेटी के जब बिहाव हो ही तो ओकर दुल्हा के दशा ला देख के मोला बहुत विचित्र लागत है मैया। वो कैसे? जेन एकर दुल्हा हो ही तेकर अंग में कपड़ा नहीं रहे, एकर दुल्हा हुई तेकर अंग में कपड़ा नहीं रहे, यहाँ तक कि भिक्षा मांग के खाने वाला रही, जेकर गांव में घर नहीं रहे, जेकर खार में खेत नहीं रहे, जेन दुनिया भर इती वती घूमत रही थे, जेकर अता पता के कोनो ठिकाना नहीं रहे, जेन हाँ अपन शरीर में मुर्दा घाट के भस्म ला चुपड़ थे, जेकर मुड़ी माँ जटा है तेन बंधा रही थे, जहर की पियैया वो हा, जहर की पियैया ऐसन तोर दमांद हो ही माता मैना। माता मैना सुनिस्ते व्याकुल हो गए, अपन बेटी सीना में पोटार ले, सीना में पोटार के कहे बल लगिन कथे बेटी मैं जियत जियत मर जाऊँ लेकिन इसना दमांस ना मैं तोर बिहाव नहीं करवाऊँ। नारद जी तोर वाणी उल्टा है, तोर ये उल्टा वाणी ला मैं नहीं पतियावा, तैं सही सही काबर नहीं बतावत है, सही बताना मोर बेटी के किस्मत में का लिखा है। नारद जी कथे मैया जैसे ते हैं गुण ल जब गुठियावत रह बोला तय स्वीकारे वैसे अवगुण गुठियावत है तो उन्होंने तो स्वीकारना पड़ी। लेकिन देखो भैया हमार जीवन के सबसे बड़े कमी है कि जब गुण है तब तो बोला हमन अपन मान थन, लेकिन जब अवगुण आ जाते तो हमन भगवान ल थमाना चाहत हन। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, हम सबके जीवन के ये गात है जब विपरीत समय आ जाते ना, विपरीत समय आ जाए तब हमन भगवान ल दोष देथन, कहथन कि देखो भगवान की करनी कतका उल्टा है, भगवान के उल्टा करनी के आगू में काकरो नहीं चले, ऐसे कही कि हमन भगवान ल दोष देथन, समय ल दोष देथन। लेकिन देखो अपन दिनचर्या ला सुधारे के प्रयास करन तो निश्चित ही आदमी के भाग्य की रेखा तो ओकर हाथ में है भैया। आदमी अगर चाहे तो अपन किस्मत ला संवार डारे, आदमी चाहे तो अपन किस्मत ला बिगाड़ डारे, जैसना करना है तैसन कर ले भैया, काबर जिंदगी तोर हाथ में है। तोला कृष्णा जीना है तेल तय जान ले, का तोला रावण बनना है कि राम बनना है, सोच माना तोला का करना है, सोच माना सोच तोला का करना है, कीड़ा से ही रमजाना है कि हत्थी बरोबर चलना है, छेना से ही गुंगवाना है कि लकड़ी बरोबर चलना है, सोच माना तोला का करना है। देखो ये संसार तो एक माया के झमेला है भैया, जैन भी संसार में आते वो माया के झमेला में पीस के रही जाते। ज्ञानी मन के इथे वास्तव में विशाल हृदय के धनी बने तो ओकर घर में अम्बा रानी हतीन बेटी बन के आ जाते। आज जैसे
राजा हिमांचल के घर में एक कठोर हृदय के पर्वत जैन कठोर कहे जाते ओकर घर में भी आज माता अम्बा हतीन बेटी बन के आगे है। नारद जी ओकर भविष्य बताए पर लगी कथे मैया मोला सबक ओकर अवगुण देख के ऐसे लागते कि जैन तोड़ दामाद हो ही वो भगवान भोलेनाथ है तैसे लागते। भगवान भोलेनाथ के ही दहाद इशारा करते सब गुण अवगुण हेतन मोला तब ऐसे लागते कि तोर बेटी हेतन वो भोलेनाथ के ही धर्म पत्नी बनही का। वही पा के ज्ञानी मन की हीन घलो देखो वास्तव में भैया भगवान शंकर को ने तो भगवान शंकर अपन आपला राम जी के दास बतावे। राम जी कोनो पूछिन राम जी आपके गुरु कौन है आप कौन ला इष्ट मान थो तो राम जी के हीन कि भगवान शंकर हमर इष्ट है। शिव जी का है राम बड़े और राम जी का है शिव जी बड़े वस्तुतः ज्ञानी मन विचार करीन तो दोनों ला बराबर पैन तभी तो किहीन घरो ना तभो तो ज्ञानी मन किहीन घलो शंकर प्रेम मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नरकर ही कल्प भरे घोर नरक मोहबास। वस्तुतः राम और शिव के स्वरूप एक ही है हमार पहचान कर में भले गलत है। गोस्वामी जी महाराज वही पाए कही थे चन भंगुरी जीवन है रे चन भंगुरी जीवन है ते झनगित रायल बेला चन भंगुरी जीवन है ते झनगित रायल बेला छोड़ दे जम्मो झमेला बंज तुलसीदास के चेला छोड़ दे जम्मो झमेला बंज तुलसीदास के चेला हो आ हो आ सुख पाए के देखे सपूना छोड़ दिए हरि नाम ते जपूना छोड़ दिए हरि नाम ते जपूना सुख पाए के देखे सपूना छोड़ दिए हरि नाम ते जपूना छोड़ दिए हरि नाम ते जपूना आ सुख पाए के देखे सपना छोड़ दिए हरि नाम ते जपना छोड़ दिए हरि नाम ते जपना काबर तेहा जान बुझ के रे काबर तेहा जान बुझ के घेच मडारे ठेला काबर तेहा जान बुझ के घेच मडारे ठेला छोड़ दे जम्मो झमेला बंज तुलसीदास के चेला छोड़ दे जम्मो झमेला बंज तुलसीदास के चेला हो आ हो जीवन है अब बिल्कुल थोड़ा मान जा रे मन चंचल घोड़ा मान जा रे मन चंचल घोड़ा जीवन है अब बिल्कुल थोड़ा मान जा रे मन चंचल घोड़ा मान जा रे मन चंचल घोड़ा नहीं माने अलबेला रे
नहीं माने अलबेला रे तैं जावत हसबर पेला, नहीं माने अलबेला रे तैं जावत हसबर पेला। छोड़त जम्मो झमेला बंद तुलसीदास के चेला, छोड़त जम्मो झमेला बंद तुलसीदास के चेला। सियावर रामचंद्र की जय।